2010 में अपनी मतलब बीए की पढ़ाई की थी पूरी, उसके बाद में सब इंस्पेक्टर की तैयारी करा था। हाँ बाबू, सारा फिर मेरा चौपट हो गया सारा कुछ। बाबू मुझे एक बात बता, ये आ रहा है शरीर में चुभन होती है, सुन्न सा हो जाते हैं हाथ पैर। जी सुन तो होते हाथ पैर। ऐसा भी हुआ है कभी आंखें पलटी हो? आंखें तो नहीं पलटी, आंखें भारी भारी रहती है। किसके नाम की सैन्य बेटी बताई है? जी मेरे नाम विधि जी, यहाँ एक राणा इंडिया मुसलमान रहते हैं, उन्होंने इसका भोग दिया था बेटा। मुझे नहीं पता वहाँ पर सर में दर्द रहने लगा उसके बाद। सर हाँ सर पूरा भारी भारी सा रहता है, सर पूरा सर्वाइकल रहता है पूरे में जबड़ा हुआ। ये चीज यहाँ पे सबका कुछ वजन सा रखा हुआ है, जबड़ी जबड़ी हुई। ये भद्रकाली की कौन सी चौकी पे गया था बच्चे? मतलब चौकी पे तो मैं आप ही की पे आऊँ पहले, जो काली माता की चौकी पे। भद्रकाली का दरबार आया है वहाँ पे भी जा चुका है। कालका माता के मंदिर गया हूँ। दरबार आया है जैसे यहाँ लगता है ऐसे भद्रकाली का दरबार आया है। और किससे पूछा था बच्चे तेरा? ऐसे कहीं पे शरीर में जैसे पेट पे या कहीं पे ऐसे दाग भी पड़े हुए हैं? दाग लाल लाल हो जाते हैं। हाँ चटकते से हो जाते हैं जी। नुकसान है घर में, घर में लड़ाई झगड़े बड़े वाले भाई से बिल्कुल देख के चिड़मुस। ये केस वेस की बात कहाँ हुई थी? केस वेस होने वाले हैं घर में या कर देंगे? नहीं मैं कहता था ये बात। अच्छा जी मैं फांसी में खा लूंगा तुम्हें सबको। ठीक है कविता जी, जो बताया वो करो। ये घर किलवाया किससे दादू? घर किलवाया था पहले कोई ऐसे ही खा हुए फालतू बंदो बना। फालतू बंदे से घर किलवा दिया जाता है? मम्मी पापा जी मेरा ऐसे है ना, कल को बेटा हम भी फालतू रहेंगे। नहीं नहीं जी फालतू बंदो से कौन घर किलवाता है? मम्मी पापा के शरीर को, लेकिन हमने वो कीले निकाल के फेंक दी, मतलब 5-6 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए। हवन कैसा हुआ था घर में? ये ठीक है इस बीच में तीन शनिवार कोई दारू नहीं पिएगा। तीन शनिवार कोई भी दारू नहीं पिएगा, मेरे घर में नहीं पिएगा। हाँ जी जी शनिवार शनिवार का परहेजा बस नहीं ज्यादा, मेरा ही सब कुछ चौपट हो जाता है। कोई नहीं बाबू, तुम कहा आपके द्वारा सब बता।